नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। वक्त हो चला है खबरों का, लेकिन उससे पहले खेल जगत की 10 बड़ी खबरें। आईपीएल 2022 के एक मुकाबले में बेंगलोर को हैदराबाद ने बुरी तरह हराया। महज 68 रनों पर ध्वस्त हुई बेंगलोर की टीम। मुंबई और लखनऊ के बीच मुकाबला आज कांटे की टक्कर होने की उम्मीद। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की हुई घोषणा। रोहित और बुमराह के नाम हुआ क्रिकेट का सबसे पुराना अवार्ड। तीरंदाजी विश्व कप में भारत को मिला गोल्ड मेडल। कंपाउंड पुरुष टीम के बाद अब मिक्स्ड जोड़ी ने भी स्वर्ण की उम्मीद। रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने 8 रन से जीता मैच। केकेआर को मिली लगातार चौथी हार। चेतेश्वर पुजारा ने लगाया शतक। काउंटी चैंपियनशिप में खेल रहे हैं पुजारा। आईपीएल प्लेऑफ और फाइनल मैचों का हुआ ऐलान। कोलकाता अहमदाबाद में खेले जाएंगे मुकाबले। बोरिया मजूमदार पर बैन की तैयारी। बीसीसीआई 2 साल तक स्टेडियम में एंट्री पर लगा सकता है रोक। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का आज 49वां जन्मदिन। देश विदेश में मिल रही हैं शुभकामनाएं। लगातार गिर रही है कोहली की फॉर्म। आईपीएल 2022 में सिर्फ 17 की औसत से बनाए हैं रन। अब देखते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। मुंबई के बनारस स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2022 के 36वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 9 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद के इस सीजन में ये लगातार 5वीं जीत है और वहीं आरसीबी की ये 3री हार है। आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम सिर्फ 68 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 8 ओवर में ही 1 विकेट होकर लक्ष्य का पीछा कर लिया। इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में 2रे नंबर पर पहुंच गई और हालांकि आरसीबी की टीम भी अभी टॉप पर 4 में है। आईपीएल 2022 में आज नई टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस सामने होंगी और रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई को पहली जीत की तलाश है। और वहीं मुंबई ने अपने पिछले सभी 7 मुकाबले गंवाए हैं। ऐसे में एक हार उसे आईपीएल के इस सीजन से लगभग बाहर कर देगी। वहीं लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर है। लखनऊ ने 7 में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ और मुंबई की टीम पहले चरण में जब आमने सामने हुई थी तो मुंबई को 18 रन से हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दोनों ही फ्लॉप रहे थे। हालांकि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव कुछ अच्छी पारियां खेलने में सफल रहे। वेवाल्ड ब्रेविस ने धैर्य की कमी नजर आई है। वहीं गेंदबाजी का दारोमदार जसप्रीत बुमराह पर है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सहित 5 क्रिकेटरों को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। विजडन के एडिटर लॉरेंस बूथ ने 5 नामों की घोषणा की। रोहित और बुमराह के अलावा न्यूजीलैंड के डोवान कॉनवे, इंग्लैंड को ओली रॉबिन्स और साउथ अफ्रीका महिला टीम की डेनवैन नेकर को भी इस सूची में शामिल किया गया है। बुमराह को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए उनके इंग्लैंड दौरे में शानदार प्रदर्शन के लिए शामिल किया गया है। बूथ का मानना है कि दूसरे टेस्ट में भारत को जीत बुमराह की वजह से ही मिली थी। वहीं उनका मानना है कि अगर बारिश नहीं होती तो मैच ड्रॉ नहीं होता और भारत को जीत अवश्य मिलती। बता दें कि इस टेस्ट में बुमराह ने दोनों पारियों में 9 विकेट लिए थे और इस दौरे पर कुल 4 मैचों में 18 विकेट लिए थे।
काउंटी क्रिकेट में सनसेक्स के लिए दोहरे शतक के बाद अब शतक जमाकर चेतेश्वर पुजारा ने फॉर्म में वापसी का संकेत दे दिया है। एक वक्त टीम इंडिया की नई दीवार कहे जा रहे चेतेश्वर पुजारा को दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर खराब प्रदर्शन के कारण इंडियन टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। कहा जाने लगा था कि शायद अब उनके लिए वापसी मुमकिन नहीं होगी क्योंकि नए खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड में चल रहे काउंटी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का फैसला किया। ससेक्स की टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 2 मैच के दौरान चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल किया गया। पहले मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा के दोहरे शतक की बदौलत ससेक्स की टीम मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रही थी, तो वहीं दूसरे मैच में वर्चेस्टर के खिलाफ भी पुजारा ने शानदार प्रदर्शन किया था। बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले कहां होंगे इसका ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शनिवार को हुई बोर्ड की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है। प्लेऑफ मुकाबले को कोलकाता के ईडन गार्डन और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे। आपको बता दें फाइनल मैच भी अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। पहला क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबला 24 और 26 मई को कोलकाता में होगा, जबकि दूसरा क्वालिफायर और फाइनल 27 और 29 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मुकाबले में 100% तक दर्शक शामिल होने की इजाजत दी गई है। आईपीएल 2019 के बाद यह पहला मौका है जब भारत में 100% दर्शक स्टेडियम में मौजूद होंगे। कोरोना के कारण आईपीएल 2022 की शुरुआत में 25% दर्शकों को मैच देखने की अनुमति थी, जिसके बाद बढ़ाकर 50% कर दिया गया था और अब 100% लोग मैच देख सकेंगे। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।